दोस्तों लिनोवो ने जो है अपना नया फोन लॉन्च किया है, लिनोवो K8 Plus। तो क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, अगर आप ये फोन परचेज करते हैं इसमें क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या इस फोन में अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ये मैं आज आप सबको बताऊंगा। मेरा नाम है नमन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्ट्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो फोन है ये लॉन्च किया गया है 10,999 रुपए की मार्केट प्राइस पर, जो आपको अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट से। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें है 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो साथ में दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। और अगर बात की जाए रैम की तो इसमें दो वर्जन अवेलेबल है, एक है 3 GB रैम का, दूसरा है 4 GB रैम का। दोनों में ही इंटरनल मेमोरी जो है वो रहेगी 32 GB की, जो कि डेडिकेटेड मेमोरी है, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। इस फोन में आप यूज कर सकते हैं दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ में। फोन जो है काम करेगा एंड्रॉयड 7.1 नोगेट पर। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें दिया गया है मीडियाटेक का हीलियो P25 ऑक्टाकोर 2.6 GHz का प्रोसेसर। कैमरा की बात की जाए तो इसमें सेकेंडरी कैमरा जो दिया गया है वो दिया गया है, इसमें ड्यूल कैमरा दिया गया है पीछे की तरफ, एक है 13 MP का और दूसरा है 5 MP का, ड्यूल फ्लैश दी गई है इसमें। आगे की तरफ जो है वो कैमरा दिया गया है 13 MP का और साथ में एक सेल्फी फ्लैश दी गई है आगे की तरफ। दोनों ही कैमरा जो है 2.0 अपर्चर पर काम करते हैं। बैटरी की बात करें दोस्तों तो इसमें दी गई है 4000 mAh की बैटरी और इसमें दिया गया है डॉल्बी का साउंड सिस्टम। पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सेंसर्स की बात करें तो इसमें तकरीबन सभी सेंसर जो होते हैं वो अवेलेबल हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, ई कंपास, ये सारे जो सेंसर्स हैं इसमें दिए गए हैं। ये जो फोन है दोस्तों 4G वोल्ट को सपोर्ट करता है। फोन की बॉडी जो है दोस्तों मेटेलिक है और वेट की बात की जाए तो इसका वेट जो है वो है 168 ग्राम का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्या आपको फायदा होने वाला है और क्या आपको फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो इस फोन में अगर जैसा कि लिनोवो ने दावा किया है कि ये कंप्लीट स्मार्टफोन है और ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, तो ऐसा अगर कुछ भी देखा जाए तो इस फोन में कुछ खास जो है नहीं दिया गया है। अगर इसमें कुछ अच्छा है तो सबसे पहले जो है इसकी मार्केट प्राइस, जो क्योंकि ये लॉन्च किया गया है 10,999 रुपये की मार्केट प्राइस में, जो कि इसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है। और इसमें पीछे की तरफ जो ड्यूल कैमरा दिया गया है वो आपको बोके इफेक्ट के लिए काफी अच्छा साबित होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है लिनोवो की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि ये फोन जो है काफी प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी आपके लिए कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो बड़ा क्लेम किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसका 4000 mAh का बैटरी। और इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई खास बड़ा फीचर नहीं है, ये सारी कॉमन हो चुकी हैं आज की मार्केट प्राइस में 10,000 से 15,000 के बीच में जो भी आप स्मार्टफोन लेंगे तो इसमें तकरीबन उसमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आपको बड़ी आसानी से जो है मिल जाएंगी। तो अभी बात करते हैं इसमें क्या फायदा आपको नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा जो इसमें जो प्रोसेसर है वो दिया गया है मीडियाटेक का, जबकि अभी कुछ दिन पहले जो है MI ने A1 लॉन्च किया है, उसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन का 625 और उसमें भी ड्यूल कैमरा है पीछे की तरफ, वो भी काफ़ी अच्छा जो है फोटोग्राफी करता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है अगर स्नैपड्रैगन का देते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता। और अगर बात की जाए तो इसका डिस्प्ले जो है 5.2 इंच का है, जबकि आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले काफ़ी आसानी से जो है मिल सकता है। और इसके अलावा जो बात की जाए इसके वेट की तो इसका वेट जो है क्लेम किया जा रहा है 168 ग्राम का, जबकि यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो सिर्फ 5.2 इंच का है। उसके हिसाब से फ़ोन जो है थोड़ा सा बल्की है, इससे काफ़ी कम वेट वाले फ़ोन जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मेन यही है दोस्तों, ये 11,000 की मार्केट प्राइस में फ़ोन जो है नया है, लेकिन इसमें कुछ भी खास जो है हम नहीं कह सकते, कोई भी एक्स फैक्टर या फिर वाव फैक्टर वाला इसमें कुछ भी खास मुझे नहीं लगा। फिर भी जो एक सेकंड रिव्यू जो है जब ये फ़ोन मेरे पास हाथ में होगा मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा यूज़ करने के बाद, ये आपको फ़ोन कल से फ्लिपकार्ट में से मिल जाएगा सेल में से। तो देखते हैं दोस्तों ये फ़ोन के रिव्यूज़ जो हैं किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टेक्ट्यूशंस। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।